बात है जी, जबरदस्त धमाल है यार। Okay, let's go. वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक मजे में होंगे। और जी आज मैं जो हरी भरी हुई हुई हूँ, ये है जी हमारा आज इंडिपेंडेंस डे, और सारे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आजादी मुबारक। खान की फिल्म जवान से दूसरा सॉन्ग आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, तो आज मैं सारा दिन बिजी थी। मैंने कहा चलें जी, अभी रात हो रही है और अब जो है देख लेते हैं और आप लोगों के साथ इसका रिएक्शन भी शेयर करते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि शाहरुख खान के रोमांटिक सॉन्ग्स तो क्या ही बात है, क्या मज़ा आता है, देख कर बंदा खो सा जाता है। और जितने भी फैंस हैं मेरी तरह शाहरुख खान के, वो तो जहर सी बात है खुश होंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे जो सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था नहीं आपने लेट नहीं करना, जल्दी से इसका रिएक्शन दे दे। ठीक है जी, तो जल्दी से इसका रिएक्शन दे देते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। पहले आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी आपने प्रेस करना है। अनीशा ब्लॉग्स और अनीशा रिएक्ट दोनों को देखिएगा और जश्न आजादी का जो मेरा न्यू ब्लॉग है वो जरूर देखिएगा। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। क्या बात है जी, जबरदस्त धमाल है यार, क्या बात है। ये इसका सेकंड सॉन्ग है जवान का और रोमांटिक सॉन्ग है शाहरुख खान का। क्या क्या गाया है जी और क्या इसके लिरिक्स से, मुझे बहुत मज़ा आया। और जैसी बात है हम शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो हमें तो यार कि हर चीज़ पसंद आती है, लेकिन यार नो डाउट गाना बहुत अच्छा था, सिंगर ने बहुत अच्छे से गाया, लिरिक्स बहुत अच्छी हैं, सेट्स बहुत अच्छे हैं, डांस बहुत अच्छा है और बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था गाने को सुन के, ना कि बंदा बार बार सुने, ये अच्छे मूड में ड्राइव करता हुआ हर वक्त बारिश में, फ्रेश, बहुत ज़बरदस्त।
हमेशा की तरह ये सॉन्ग भी जी चार चांद लगा जाएगा और जो है ट्रेंडिंग पे तो है ही। और शाहरुख खान की जिस तरीके से उनका रोमांस का स्टाइल है और जी जिस तरीके से वो गाने के अंदर खो जाते हैं, ऐसा लगता है जी सिंगर भी यही है, एक्ट भी यही कर रहे हैं, लेकिन क्या आवाज़ है। सिंगर बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है और लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, उसकी वर्डिंग, उसकी जो अंदाज़े बयां है बहुत अच्छा है। इसके अलावा डांस बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्मूथली जा रहा है और कितना फ्रेश चल रहा है यार, बहुत मज़ा आया मुझे तो, बहुत दिल चाह रहा है बार बार सुनूं। और सच में इससे पहले वाला सॉन्ग भी बहुत अच्छा था और ये वाला सॉन्ग तो जी और ही ज़बरदस्त है, क्योंकि शाहरुख के जितने भी रोमांटिक सॉन्ग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जितना अच्छा प्लेजेंट जो है ना इन्होंने वो सेट लगाया एक के बाद एक, बहुत अच्छा, बिल्कुल काम सा जो है कैजुअल सा जा रहा है चलेगा। ड्रेसेस, बंदी के ड्रेसेस बहुत अच्छे थे और कितनी अच्छी लग रही थी, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है जी, बहुत मज़े का मुझे सॉन्ग लगा, बहुत अच्छा लगा और दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया जी। जिस तरह मुझे उम्मीद थी और मुझे था कि भाई शाहरुख के जो गाने होते हैं और जितने भी उनके फैंस हैं वो भी बड़े खुश हो गए होंगे। तो आप लोगों ने मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर बताना है कमेंट्स के अंदर, और भी नेक्स्ट जो रिएक्शन है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर जो है करूँगी, मुझे बहुत खुशी होती है। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था जल्दी से आप दे दें, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से कर देते हैं। ओवरऑल मुझे गाना बहुत अच्छा लगा और आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और लगेगा जब आप सुनेंगे। उम्मीद है जी मेरा रिएक्शन भी आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए इस खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल का आइकन भी आपने प्रेस करना है, अनीशा व्लॉग्स और अनीशा रिएक्ट्स दोनों के ऊपर। 14 अगस्त जी जितने भी मेरे पाकिस्तानी जो है सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मुबारक हो, उनका जश्न आज़ादी का दिन। और जी जितने भी मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको जी 15 अगस्त मुबारक हो, उनकी आज़ादी का दिन। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।